left two sides and a median bisecting the third side of a triangle are respectively proportional to the corresponding sides and the median of another triangle, then the two sides are similar. थोड़ा सा इसमें ध्यान दें हम, sorry, then two triangles are similar. देखिए जो पहला वाला थ्योरम था जो हमने किया, और इसमें इसमें दोनों की लैंग्वेज में डिफरेंस, वहां पे क्या बोलता था, इफ टू साइड्स एंड अ मीडियन बाइसेक्टिंग ऑफ दीज साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर रिस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू द टू साइड्स, इफ टू साइड्स एंड अ मीडियन बाइसेक्टिंग ऑफ द थर्ड साइड्स. देखिए ये वाले थ्योरम में क्या था कि सपोज मेरे पास कोई दो ट्राइंगल है, फिर से ए बी सी, ओके, एंड डी ई एफ, ये ए बी सी का मीडियन सपोज ए बी है और डी ई एफ का मीडियन सपोज डी क्यू. सुनिए लास्ट वाले में क्या दिया था आपको, ए बी अपॉन डी ई इज इक्वल्स टू BC upon EQ, मतलब उस साइड को लिया गया था EF, उस साइड को लिया गया था जिस पे आगे मीडियन गिरता है. अभी लैंग्वेज चेंज है, इफ टू साइड्स एंड अ मीडियन बाइसेक्टिंग द थर्ड साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर रेस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू द करेस्पोंडिंग साइड्स एंड द मीडियन ऑफ अदर ट्रायंगल देन प्रूव दैट द ट्रायंगल्स आर सिमिलर. मतलब कि देखिए अब की ना आपको ये दिया हुआ है कि AB upon AC means AB is proportional to DE means और AC is proportional to DF, मतलब AB upon AC is equals to DE upon DF, ये अगर given है तो कैसे करेंगे, is equals to AB upon DQ. तो आपको given इस बार different है, क्या given है, AB upon AC is equals to DE upon DF is equals to AP upon DQ. AP upon DQ. AP upon DQ. ये given है. AB upon DE. AB upon DQ. ओके ओके ओके, करस्पोंडिंग साइड्स का रेशियो कैसा है, सॉरी करस्पोंडिंग साइड्स कैसी है, प्रोपोर्शनल. तो दूसरे तरीके से बनेगा भाई, देखिए AB किसके प्रोपोर्शनल होगा, BE के. AB के नीचे कौन आ जाएगा, AC किसके प्रोपोर्शनल है, DF, और AP किसके प्रोपोर्शनल है, ये क्यों है. तो ट्राइंगल को हमको सिमिलर करना है. देखिए इसको कैसे करेंगे, कंस्ट्रक्शन करिए, ओके, तो एक कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं. कंस्ट्रक्शन में हम लोग क्या करेंगे, एपी को आगे बढ़ाइए इस तरीके से पॉइंट जी तक कि पीजी इज इक्वल्स टू एपी हो जाए. देखिए ये वाला जो लेंथ है एपी, इसी लेंथ के इक्वल आगे बढ़ाइए इसको पॉइंट जी तक, और सी को जी से मिला दीजिए, ठीक है. तो क्या किया है कंस्ट्रक्शन में हमने, एपी किसके इक्वल आया है, पीजी के, ओके. सिमिलरली डीक्यू को आप एच तक बढ़ाइए, डीक्यू को कहां तक बढ़ाना है, एच तक, मतलब कौन किसके इक्वल हो जाएगा, DQ is equal to QH, ये हमने कंस्ट्रक्शन किया है ऐसा, सर H, ओके, ठीक. अब देखिए ट्राइंगल A, इसके नाम रख लीजिए एंगल के, दिस इज एंगल 1, 2, दिस इज एंगल 3, दिस इज एंगल 4, ओके. आप ट्राइंगल ए बी बी और जी पी सी लीजिए, ए बी पी और G
जी पी सी दिखता है ये दोनों ट्राइंगल, इसको लीजिए। तो इन ट्राइंगल ए बी पी, ए बी पी एंड ट्राइंगल जी पी सी, जी पी सी बताइए क्या होगा। देखिए ये वाला जो एंगल है ये इसके इक्वल है, वर्टिकल अपोजिट, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, ध्यान दीजिए। ठीक, और यस नाम रख देता हूँ, 5 इज इक्वल्स टू एंगल 6 है, एंगल 5 इज इक्वल्स टू एंगल 6 है। और देखिए AB की जो लेंथ है वो PG के लेंथ के इक्वल है, AP इज इक्वल्स टू PG, और BP की जो लेंथ है वो BC के लेंथ के, क्यों, क्योंकि AP वाज द मीडियन, तो मीडियन ऑपोजिट साइड्स BC को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, तो BP इज इक्वल्स टू क्या हो जाता है PC, और AP इज इक्वल्स टू क्या हो जाता है GP, क्या लग गया साइड एंगल साइड सिमिलरली कॉन्ग्रेंट, कॉन्ग्रेंट क्योंकि इक्वल है, यस सर, प्रोपोर्शनल नहीं है, AP किसके इक्वल है GP के, और BP किसके इक्वल है BC, इसलिए ट्रायंगल तो दिखा सकते हैं हम लोग क्या कि AP का लेंथ किसके इक्वल है GP के, और PB का लेंथ किसके इक्वल है PC के। तो दिस इंप्लाइज दैट कि ट्रायंगल ABP इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल GPC बाय साइड एंगल साइड। ओके ये हो गया। अब इसमें अगर हम CPCT लगा दें तो देखिए CPCT अगर हम लगाएंगे तो AB किसके इक्वल हो जाएगा GP के, तो कर लेते हैं बाय CPCT corresponding parts of congruent triangle are equals, मतलब AB GP के इक्वल हो जाएगा, AB किसके इक्वल हो गया GP के। तो दिक्कत है बताइए, यहां से देख लीजिए नाम से AB GP के इक्वल, AB is equals to क्या हो गया GP, GP ये आप नंबर वन बना के इसको छोड़ दीजिए। ओके अच्छा एक चीज हम लोग उसमें अगर ध्यान से देखें, रुकिए क्या हमने नाम ठीक लिखा है, मेरे ख्याल से तो नहीं लिखा है, क्योंकि P कहाँ आता है बीच में, कहाँ P बीच में आता है, तो नाम मेरे को क्या करना चाहिए A P B, हाँ A P B। अब चेक कर लीजिए एक बार, एंगल P, एंगल P के इक्वल है वर्टिकली अपोजिट, और A P का जो लेंथ है वो GP के इक्वल है, और PB का जो लेंथ है PC के इक्वल है, इसका मतलब पक्का कि जो AB का लेंथ होगा वो GC के लेंथ के इक्वल होगा बाय CPCT, AB इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा GC, इसको नंबर वन बना के रख लीजिए। ओके सिमिलरली अब मैं दूसरा नहीं कर रहा हूँ, किसी तरीके से आप ट्राइंगल लेंगे कौन सा DEQ और HQ, ये वाले दोनों एंगल वर्टिकली ऑपोजिट से इक्वल, और DQ is equals to BF, DQ is equals to QH construction से, और EQ is equals to QF given median, तो इसका मतलब triangle similarly triangle नाम रखिए DQE, DQE is congruent to triangle HQF, HQ सही कर रहे हैं हम, नो यस यस एच क्यू एफ, एच क्यू ठीक है, तो इसमें आप सीपीसीटी फिर से लगा सकते हैं, तो डीई एच एफ के इक्वल हो जाएगा, डीई एच एफ के बाय सीपीसीटी डीई इज इक्वल्स टू एच एफ, ये बना लीजिए नंबर टू। तो किसको किसके इक्वल दिखा दिया, एक लगा लीजिए उस पर ए बी जी सी के इक्वल, ए बी 1 2 3 GC के इक्वल 1 2 3, DEHF के 1 2 3 1 2 3, ये दोनों इक्वल हो गए। ओके अब आपको कुछ गिवन था उसका यूज करिए, आपको गिवन क्या था ये देखिए, AB upon DE is equals to AC upon DF is equals to AB upon DQ। ओके इसमें वैल्यूज चेंज करिए,
वैल्यूज इस तरीके से चेंज करिए जो आपको दिया हुआ है, मतलब एबी की जगह मैं क्या रख दूंगा जी सी, तो मेरा क्या बन जाएगा ये जी सी अपॉन एच एफ इज इक्वल्स टू ए सी अपॉन डी एफ इज इक्वल्स टू ए पी अपॉन डी क्यू। ओके ये हो गया। नाउ अब अगर हम लोग ध्यान से देखें यहाँ पर तो एपी का जो वैल्यू है दिखता है आपको, ओके ओके देखिए ये एपी और जो डी क्यू इसको मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 2 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, तो यहाँ भी मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 टाइम्स एपी क्या है एजी है ठीक। तो दिस इंप्लाइज दैट कि जीसी अपॉन एचएफ इज इक्वल्स टू एसी अपॉन डीएफ इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स एपी इज व्हाट एजी और 2 टाइम्स ऑफ डीक्यू इज व्हाट जी सॉरी डीएच ओके। नाउ अब आप देख सकते होंगे ये आपको कहाँ मिल रहा है GC upon HF is equals to AC upon DF is equals to AG upon DH। GC upon HF ढूंढिए। GC upon HF is equals to AC upon DF is equals to AG upon DH। मतलब आपको दो बड़े ट्रायंगल सिमिलर हो गए साइड 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 से ए जी सी डी एच एफ सिमिलर। दिस इंप्लाइज दैट ट्रायंगल ए जी सी सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ नो डी एच एफ डी एच एफ वाई साइड 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 ओके। ये आपके दो ट्रायंगल सिमिलर हो गए। अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो इनके कोरेस्पोंडिंग एंगल्स इक्वल होंगे। करस्पॉन्डिंग एंगल कौन कौन है, ए पर 1 है इधर, ए पर 2 है सॉरी डी पर 2 है, 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2। दिस इंप्लाइज दैट एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2 ओके। सिमिलरली जी इज इक्वल्स टू, अब सुनिए अब मैं दूसरा नहीं कर रहा, एक और कंस्ट्रक्शन करेंगे ठीक। वो कैसा होगा, इसको किससे मिलाएंगे बी को जी से और ई को एच से, ये वाला इसके कॉन्ग्रेंट, ये वाला इसके कॉन्ग्रेंट दिखाने के बाद कौन किसके इक्वल आएगा, तो आंसर है ए बी जी को हम सिमिलर करेंगे डी ई एच के और इस तरीके से एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल आएगा ठीक है ना। तो सिमिलरली एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4 ठीक है। ये दो आपको इक्वेशंस मिल गई, क्या आप नाम दे दीजिए कहीं पर, लेट अस से दिस इज 1 एंड दिस इज 2 ओके। अब अगर आप इनको ऐड कर देते हैं तो LHS LHS में ऐड हो जाएगा और RHS RHS में, तो एडिंग 1 एंड 2 कहां पे करूं, जगह भी नहीं है, एडिंग 1 एंड 2 LHS LHS में ऐड होगा, एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 2 प्लस एंगल 4 एंगल 2 प्लस एंगल 4 चेक कर लीजिए 1 प्लस 3 कौन एंगल A, तो दिस इंप्लाइज दैट कि एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल D। ये हो गया। और सुनिए, और मुझे तो पहले ही गिवन था कि AB अपॉन AC कहीं पे देखेंगे मैंने, या AB इज प्रोपोर्शनेट टू DE, तभी तो AB अपॉन DE किसके इक्वल आया है AC अपॉन DE, तो एंगल कंटेनिंग साइड्स प्रोपोर्शन में और एंगल A एंगल D के इक्वल है, तो साइड एंगल साइड से दोनों ट्रायंगल क्या हो गए सिमिलर, तो बाय साइड एंगल साइड ट्रायंगल BAC BAC similar to triangle EDF EDF देख सकते हैं आप BA किसके proportional है ED के, AC किसके proportional है DF के, यही हमको given था, तो ये proof हो गया। इस तरीके से इसको हम proof करेंगे।